मैं जमात चाहर में नानी अम्मा ईशा की नमाज पढ़कर जोर से पढ़ बेटा। जो ही अपने चारपाई पर आकर बैठी बच्चों ने उन्हें घेर लिया। सब एक साथ चिल्लाने लगे, नानी अम्मा कहानी सुनाती हूँ जरा दम तो लू। अब तुम लोग इस तरह शोर मचाओगे तो कैसे सुनाऊंगी। अच्छा अच्छा चिंटू पिंटू चुप। नहीं चिड़ी मिड़ी चुप। आसमा ने मुँह पर उंगली रखते हुए कहा। सब बच्चे खामोश हो गए। नानी अम्मा ने खांस कर गला साफ किया और पूछा, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे। परियों की कहानी, आई बोला, नहीं जादूगर की। रसीदा बोली जोर से, नहीं जंगल जानवरों की, जंगली जानवरों की। इस्माइल ने जोर देकर कहा। नानी अम्मा बोली, बच्चों ये कहानियाँ जो तुम हमेशा सुनते रहते हो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पैगंबर की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो बहुत सबर वाले थे। तमाम बच्चे हाथ बांध कर बैठ गए और नानी अम्मा ने कहानी सुनानी शुरू किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर वो गुजरे हैं। आप बहुत मालदार और खुशहाल थे, आपकी कई औलादें थी, दुनिया की सारी नेमतें आपको हासिल थी, मगर आप खुदा की याद से कभी गाफिल नहीं रहते। आप खूब दिल लगाकर खुदा की इबादत करते थे। हजरत अयूब की खास खूबी ये थी कि आप अच्छे दिनों में खुदा का शुक्र अदा करते और मुश्किल वक्त में सब से काम लेते, कभी किसी बात की शिकायत ना करते। बच्चों, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। हजरत अयूब भी अल्लाह के नेक बंदे थे। एक मरतबा अल्लाह ने आपको बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया। अचानक मुसीबत ऐसी आंधी चली कि आप हरे भरे खेत गुजर गए। खलियान अनाज से खाली हो गई, सारी मवेशी मर गए, बच्चे बीमार पड़ गए। बीमार भी ऐसे कि एक एक करके सब गुजर गए। माल और दौलत खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद आप भी सख्त बीमार हो गए। आपको कोढ़ का मर्ज लाहक हो गया। बदन में कीड़े पड़ गए। हजरत अयूब ये हालत देख कर दुनिया वालों ने आपसे मुंह मोड़ लिया। रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया। अगर कोई आपके साथ था तो वो आपकी और बागबान नहीं थी। वो रात दिन आपकी खिदमत और देखभाल में लगी रहती। धारस बंधाती मेहनत मजदूरी करके आप अपने दुखियारे शौहर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती। हजरत अयूब ने मुसीबत और परेशानी की इन हालात में भी खुदा की इबादत तर्क ना की। हर वक्त आपकी जबान पर खुदा का जिक्र होता। आपको इस बात का यकीन था कि हर तकलीफ के बाद राहत मिलती है। खुदा मुझे सबर का फल जरूर देगा। आखिर खुदा को सब्र अय्यूब की हाल पर रहम आ ही गया। आपकी आजमाइश खत्म हो गए। एक दिन खुदा की रूह से जमीन से पानी का चश्मा उबलने लगा। खुदा ने आपके दिल में ये बात डाली कि इस चश्मे का पानी पियो और गुस्ल करो। आप क्या क्या गुस्ल करो। आप रोजाना ये पानी पीते और गुस्ल फरमाते। खुदा की कुदरत से रफ्ता रफ्ता आपका मर्ज दूर होता गया। एक दिन आप पूरी तरह से सेहतयाब हो गए। आपकी खेत भी हरे भरे हो गए, बागों में बाहर आ गई, दौलत वापस मिल गई, गम के बादल छट गए, जिंदगी में खुशियाँ लौट आई। हजरत अयूब इम्तिहान में पूरे उतर गए। कहानी खत्म होने के बाद नानी अम्मा ने पूछा, बच्चों बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा। आसमा जो उम्र में सबसे बड़ी थी, बड़ी और शयानी थी, बोली, ना
रानी अम्मा, हमने सीखा कि सब्र का फल मीठा होता है। नानी अम्मा ने खुश होकर कहा, शाबाश, जाओ अब सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। बच्चों ने नानी अम्मा को सलाम किया और सोने के लिए चले गए। अल्लाह।